नगर निगम के सभागार में सर्वशक्ति सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था की सचिव सुरमई ने एक अकेली औरत शीर्षक का मंचन कर लोगों का दिल जीत लिया। संस्था के द्वारा अलग अलग क्षेत्र से 6 प्रतिभावान महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। वहीं नाटक में मुख्य भूमिका निभा रही सुरमई ने बताया कि वो इस मंचन से खासकर पुरुषों को एक मैसेज देना चाहती हैं कि महिलाएं कोई घरेलू सामान की तरह नहीं, कि जब जी चाहे इस्तेमाल करें और फेंक दिया जाए। आज भी घरों में खासकर महिलाओं को सम्मान देने की बहुत जरूरत है। एक्चुअली मुझे थिएटर करते हुए 18 साल हो गए हैं, तो कई साल पहले मैंने ऐसा सोचा था कि मैं कोई ऐसा प्ले करूं जो एकल अभिनय हो, तो पर शायद मैंने तब अपने आप को उतना परिपक्व महसूस नहीं किया। फिर जब मुझे लगने लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक सोलो परफॉर्मेंस करूंगी एक अकेली औरत, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही हमने एक नई संस्था बनाई है महिलाओं को लेके, सर्वशक्ति सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था। इसमें सारी पदाधिकारी महिलाएं हैं, सदस्य भी महिलाएं हैं, तो हमने सोचा कि एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें एक नाटक भी हो जाएगा जो महिलाओं को लेके होगा, और साथ ही उत्तराखंड की 5-6 वरिष्ठ महिलाओं को हम सम्मानित भी करेंगे जो अलग अलग क्षेत्र की होंगी। इससे यही मैसेज गया है कि चाहे महिला किसी वरिष्ठ तबके की हो या मध्यम वर्गीय हो या निचले तबके की हो, महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से भी इरिटेड होती हैं, कुंठित होती हैं, परेशान रहती हैं, फिर भी वो हंसती रहती हैं। तो हमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पुरुषों को उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, पर वो नहीं सोचता। आज भी हम किसी गांव में जाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा है तो लड़के का कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन लड़की की पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी। तो इसी तरह के छोटे छोटे संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, औरतों को सम्मान दें, उन्हें भी जीने का हक दें।